देखो आज अपन पढ़ रहे श्यांता, श्यांता, श्यानता, श्यांता, श्यांता पढ़ेंगे आज अपन। श्यांता इसको अंग्रेजी में बिस्को सिटी बोलते, क्या बोलते? बिस्को सिटी कहा जाता है। और श्यांता में क्या होता है कि एक प्रकार से देखा जाए ये पानी हो गया। पानी देखो आपने, पानी को अपन जैसे जमीन में डालते हैं, तो पानी को जैसे जमीन में डाला जाता है तो पानी क्या होता है? बहने लग जाता है। बहने लग जाता है। पानी बहता क्यों है? पानी जब बहता है ना, तो पानी जैसे कि अपन जैसे जमीन पे डाले, तो पानी में क्या होता है कि ये पानी है, पूरा ये पानी है। ये पानी परत का निर्माण कर लेता है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। क्लियर? सबसे ऊपर वाली परत तेजी से नीचे की ओर आती है, इसके नीचे वाले की स्पीड थोड़ी कम रहती है, फिर इसकी और कम रहती है, इसकी स्पीड और कम रहती है। तो पानी की ऊपरी परत फिसल करके आगे बढ़ती है, फिर वाली परत फिर फिसल के आगे बढ़ती है, फिर फिसल करके होती है आगे बढ़ती है। तो किसी भी द्रव के बहने का गुण, किसी भी द्रव के प्रवाहित होने का गुण को क्या बोलते हैं अपन? श्यानता कहते हैं, है ना? एक परत दूसरे परत के ऊपर फिसल रही है, एक परत दूसरे परत के ऊपर बह रही है, तो ये जो गुण होता है किसी भी द्रव के बहने का या किसी भी द्रव के प्रवाहित होने का, जो क्या होता है? गुण होता है। उस गुण को क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। देखिए, द्रव उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर बहते हैं। अगर पानी ऊपर वाली जगह पे है तो ऊपर वाली जगह से वो कहाँ बहते हैं? नीचे वाली जगह की ओर क्या करते हैं? बहते हैं। अच्छे सुनो, सुन करके तुमको पूरा याद हो जाएगा, है ना? सुनना अच्छे से। इनमें से कुछ द्रव कैसे बहते हैं? मंद गति से बहते हैं। अभी पूछ रहा हूँ ना, इनमें से कुछ द्रव कैसे बहते हैं? मंद गति से मतलब बहुत धीरे बहते हैं। आप ग्लिसरीन डाल दो जमीन पे, बहुत धीरे धीरे बहेगी। सेट डाल दो, बहुत धीरे बहेगा। और कुछ द्रव ऐसे होते हैं बहुत तेजी से बहते हैं। कैसे? पानी हो गया। पानी कैसा बहता है? स्पीड से बहता है। ईथर भी कैसा बहता है? स्पीड से बहता है। तो द्रवों का वह गुण जो उनके बहने की गति को दर्शाता है। द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, है ना? द्रवों का वह गुण, द्रवों का वह गुण जो उनके बहने की गति को दर्शाता है कि द्रव कितनी स्पीड से बह रहा है या कितनी कम स्पीड से बह रहा है ना? तो द्रवों का वह गुण जो उनकी बहने की गति को दर्शाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? श्यानता कहते हैं। फिर से, द्रवों का वह गुण जो उनके बहने की गति को दर्शाता है क्या कहलाता है? क्या होती श्यानता? परिभाषा अभी बताया ना, क्या होता है? उनके बहने की गति को दर्शाता है, शांता कहलाता है। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना? बन जाएगा। ये क्या होती है? अपनी शांता होती है। देखो, दूसरे शब्दों में एक परिभाषा ही हो गई, इसकी को परिभाषा ये होती है, द्रवों को बहने से रोकने या प्रतिरोध करने वाले गुण को शांता बोलते। ये जो द्रव बह रहा है, इस द्रव को बहने से रोकने वाला जो गुण है, एक परत और दूसरी परत के बीच जहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है, और वो घर्षण बल जो होता है वो बहने से रोकता है ना? द्रवों का वह गुण जो उसको बहने से रोकता है या बहने का प्रतिरोध करता है उसको भी क्या बोलते हैं? शांता कहते हैं। जब एक परत दूसरी परत की ओर ऊपर फिसलती है तो रोकता है वो, तो उस गुण को अपन क्या कहते हैं? शांता कहते हैं। देखो, द्रव के प्रवाह की अवस्था में जब तरल की परतें एक दूसरे के ऊपर गुजरती है तो उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल के माप को श्यानता कहते हैं। ये द्रव है, द्रव की एक परत दूसरी परत के ऊपर गुजर रही है, गुजर रही है, दिख रहा है आपको? द्रव की एक परत दूसरी परत के ऊपर क्या कर रही है? गुजर रही है। तो द्रव की जब एक परत दूसरी परत के ऊपर गुजरती है तो दो परतों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है ना? तो उस घर्षण बल को अपन क्या बोलते हैं? शांता। जो रोकने वाला जो बल होता है, जो बल कार्य करता है द्रव में, उसको अपन क्या बोलते हैं? शांता कहते हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन पक्का बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है, आप शांता गुणांक क्या होता है? शांता गुणांक उसको आप बारीकी समझो। शांता गुणांक मतलब उसको दर्शाया कैसे जाता है ना? शांता नियतांक, शांता गुणांक क्या होता है? देखो, श्यानता गुणांक सतह पर द्रव की प्रत्येक ऊपरी सतह नीचे वाली सतह की तुलना में अधिक वेग से बहती है। जब कभी भी द्रव पानी में बहता है तो ऊपर वाली जो परत होती है वो स्पीड से बह के आगे निकल जाती है, और जो नीचे वाली परत होती है उसकी स्पीड कैसी होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। आ रहा था? ऊपर वाली परत का वेग अधिक होता है और नीचे वाली परत का वेग कम होता है। दो सतहों की दूरी dz, पहली सतह ये हो गई,
दूसरी सतह ये हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी अपने कितनी मान ली है, डी जेड मान लिए, मान लिए दोनों के बीच की दूरी, और वेगों में अंतर डी यू मान लिए। इसकी स्पीड, इसका वेग तेजी से बह रही है, इसकी स्पीड स्लो है, कम तेजी से बह रही है, वेगों में अंतर, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, इसका वेग और इसका वेग, और दोनों के वेग में अंतर, दोनों के वेग में अंतर कितना है आपका डी यू है, दोनों के वेगों में अंतर कितना है आपका डी यू है। तो प्रवाह हेतु आवश्यक बल, प्रवाह हेतु कैसा बल, आवश्यक बल, बल तो प्रवाह द्रव बह रहा है ना, तो वहां पर कौन सा बल लग रहा है, तो वो वाला जो बल होगा ना ए इंटू डी यू बटे डी जेड के समानुपाती होता है। ए यहां पर क्या है, यहां पर ए जो है परतों का क्षेत्रफल है, ये दोनों परत आपस में संपर्क कर रही है ना, तो इन परतों का वो क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, क्लियर। समानुपाती हद तक क्या आता है, एक नेता बराबर का चिन्ह लगता है और एक नेतांग लगता है, बराबर का चिन्ह लगा और नेतांग कौन सा लगा, यहाँ पर ईटा लगा, ए का हो गया ए डी यू बटे डी जेड का डी यू बटे डी जेड। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए संपर्क युक्त परतों का क्षेत्रफल है, ए क्या है यहाँ पर संपर्क युक्त परतों का क्षेत्रफल है, और डी यू क्या है, डी यू बटे डी जेड वेग प्रवणता है, कितनी स्पीड का वहाँ पर अंतर निकाल रहा है, वेग का वहाँ पर क्या अंतर है, वेग प्रवणता है। एन यहाँ पर क्या, ईटा यहाँ पर क्या है, ईटा यहाँ पर श्यानता गुणांक, ये होता है आपका श्यानता गुणांक, इसका व्यंजक लेकर के आया अपन ने, ईटा होता है आपका श्यानता गुणांक, इस यहाँ श्यानता को ईटा से व्यक्त करते हैं, श्यानता को कैसे व्यक्त करते हैं, ईटा से, विकल्प बन के आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि श्यानता का मात्रक क्या है, एक ईटा रहेगा लेमडा थीटा बीटा कुछ भी दे देगा वो, आपको ईटा पर निशान लगाना है। यहाँ पोहाई और श्यानता का में यहाँ पर आता है, श्यानता को पोहाइज या डाइन सेंटीमीटर माइनस टू और ए सेकेंड इनवर्स में व्यक्त किया जाता है, और श्यानता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड।